महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने शनिवार रात को तीसरी लिस्ट जारी की है। इसमें 16 प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है। आज सुबह कांग्रेस ने दूसरी लिस्ट जारी की थी जिसमें 23 नाम थे। पार्टी ने पहली लिस्ट में कांग्रेस ने 48 नामों का ऐलान किया था। कांग्रेस की जारी तीन लिस्ट में अब तक 88 कैंडिडेट्स का ऐलान हो चुका है। इधर आम आदमी पार्टी ने शनिवार को महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। हालांकि अरविंद केजरीवाल MVA के लिए कैंपेनिंग करेंगे। महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव गुट, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी शरद गुट और कांग्रेस महाविकास अघाड़ी MVA महागठबंधन में शामिल है। 23 अक्टूबर को ही तीनों दलों ने 85-85 सीटों पर लड़ने की घोषणा की थी। 18 सीटें इंडिया ब्लॉक की अन्य पार्टियों को दी जाएंगी, जिनमें समाजवादी पार्टी, SWP और CPIM समेत दूसरे दलों को सीट देने की बात की गई थी। हालांकि आम आदमी पार्टी को एक सीट दी जा रही थी, अब पार्टी ने उस पर भी चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है।